हेलो एंड नमस्ते इंडिया, दिस इज अभिषेक एंड यू वॉचिंग टू नो स्पीडिया। दोस्तों, आज की वीडियो उन भाई लोग के लिए है जो AEPS का काम अपना चलाते हैं, जैसे आधार कार्ड से पैसा निकालना। तो आज हम आपको बताएंगे DigiPay से संबंधित ये वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे DigiPay के जितने भी तथ्य हैं, उसमें कैसे होता है काम इस वीडियो में। और उम्मीद है कि दोस्तों, इस वीडियो के बाद DigiPay से संबंधित आपका कोई भी सवाल नहीं बचेगा। जी हाँ, गारंटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए नोस्ट इंडिया चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि हमारे वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, आ गए हम अपने वीडियो में। जैसा कि आप जो भी लोग AEPS का काम चलाते हैं, आधार कार्ड से जमा निकासी, उन्हें पता होगा DigiPay के विषय में। या जिन लोगों को, जिन भाई लोग को नहीं पता है, मैं बता दूं, DigiPay CSC की सर्विसेज है, जो कोई थर्ड पार्टी नहीं है। CSC की अपनी खुद की सर्विस है ये DigiPay। इससे सबसे पहला जो बेनिफिट है दोस्तों, आपको सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको कमीशन, इसमें जो कमीशन है वो बाकी कंपनियों से ज़्यादा मिलता है। अब ज़्यादा क्यों मिलता है? ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि बाकी कंपनियां थर्ड पार्टी से हैं, वो बीच में कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं उनसे बहुत से लोग। उसमें क्या है कि जो इनकम है वो डिवाइड हो जाता है बहुत सी जगहों पे, लेकिन DigiPay में वो चूंकि CSC का अपना है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिवाइडेंस उसमें नहीं होता है। DigiPay को आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, तीनों चीज़ों पर आप चला सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ, ये आप अपने मोबाइल पर भी चला सकते हो, कंप्यूटर पर भी, लैपटॉप पर भी। बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो यहाँ पे यह बाउंडेशन रहता है कि आप मोबाइल पे ही चला सकते हो, या आप लैपटॉप पे ही चला सकते हो, या आप PC पे ही चला सकते हो। सो आई थिंक कि लैपटॉप और PC पे, तो अगर लैपटॉप है तो PC पे भी चलेगा, लेकिन बात फंसती है मोबाइल और लैपटॉप या डेस्कटॉप की। तो DigiPay के साथ दोस्तों ऐसा नहीं है। DigiPay आप मोबाइल पे भी चला सकते हो, डेस्कटॉप पे भी चला सकते हो, लैपटॉप पे भी चला सकते हो। दोस्तों, इसमें जो सबसे अच्छी बात DigiPay में एक ये है कि आप जैसे जो भी बाकी सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं बैंक का, जिसमें लेन देन आप करते हो अपना, उसमें आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगभग दोस्तों हमेशा देना पड़ता है। मतलब जितना भी ट्रांजेक्शन आपने किया या आप जितना करोगे, उतनी बार आपको अपने अपने थंब मशीन पे लगाने होंगे। लेकिन दोस्तों, DigiPay का मैं आपको बताऊं, DigiPay में आपने एक बार अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन दे दिया तो आपको दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इन केस नेटवर्क आपका छोड़ दिया या मशीन रिमूव हो गई है आपकी, तभी मांगेगा, नहीं तो अदरवाइज़ वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन दोबारा नहीं मांगती है। इसलिए सबसे अच्छा मुझे DigiPay का ये लगता है कि इसमें टाइम की काफ़ी बचत होती है, हमेशा लॉगिन नहीं करना होता। एक बार आपने लॉगिन किया, आपका काम लगभग लगभग होता जाएगा, उसमें कोई इश्यूज नहीं आएगी। आप में से कई लोगों का ये सवाल होगा कि इसके लिमिटेशन क्या है। बहुत सी ऐसी कंपनियां होंगी जहां पे लिमिटेशन नहीं है कि आप 25 तक निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों DigiPay के साथ एक कंडीशंस हैं। आप आधार कार्ड से 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। जी हाँ, DigiPay में आप 10,000 से ज़्यादा आधार कार्ड से नहीं निकाल सकते हैं, एक इसमें ये बाउंड है। उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कमीशन की। तो इसमें हाईएस्ट कमीशन जो है वो 11.42 पैसे है, मतलब 11 रुपये 42 पैसे है TDS काटने के बाद। जी हाँ, तो आई थिंक कि लगभग बेस्ट ही है ये, इतना कमीशन बेस्ट है। और आपको ये भी पता ही होगा कि AEPS में हमें 3,000 से ज़्यादा का पे मतलब 3,000 से ज़्यादा का आप लेन देन करते हो, जमा या निकासी, तो उस पर आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। ये तो आपको पता ही होता है। मैक्सिमम कमीशन अमाउंट जो है वो 11.42 है, और 3,000 रुपये से ज़्यादा के जो भी लेन देन होंगे उस पर आपका जो कमीशन है वो यही अप्लीकेबल होगा। अगर आप 3,000 रुपये का लेन देन करते हैं तब भी आपको 11.42 पैसे ही मिलते हैं। आप 10,000 का करते हैं तब भी आपको 11.42 ही मिलता है। तो एक ये है, ये तो लगभग सभी कंपनियों में है। तो मैक्सिमम दोस्तों इसके जो इसका जो कमीशन है वो 11.42 पैसे का है। कमीशन जैसे बाकी कंपनियों में है कि आपको मंथ में कमीशन आता है, DigiPay में सबसे अच्छी बात है कि आज आपने लेन देन किया, आज की कमीशन आज रात को आफ्टर 12 बजे के बाद आपके DigiPay वॉलेट में जुड़ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि DigiPay में कमीशन आपको एडवांस आ जाता है, मतलब एडवांस बोले तो सेम डे आ जाता है। उसके बाद दोस्तों, पे आउट का इसमें सिस्टम है। पे आउट आप इसमें 8:30 बजे दिन में,
8:30 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक आप इसमें पे आउट ले सकते हो अपना। पे आउट बोले तो अब पे आउट आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, आप जैसे बैंक के जो बीसी लेते हैं बैंक से, तो उसमें क्या होता है सेटल, जो पेमेंट सेटल होता है, पेमेंट सेटल का मतलब यह है कि आपने कस्टमर का अंगूठा लगाया, उसे कैश दे दिया, अब उसके अकाउंट से जो कैश कटता है वो किस खाते में जाता है उसे कहते हैं सेटल। तो दोस्तों वो जो सेटलमेंट अकाउंट होता है उसमें पैसा डीजीपे का नहीं जाता, डीजीपे का पैसा आपके डीजीपे वॉलेट में जाता है। अब वॉलेट से आपको अपने जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें आपको पे आउट लेना होता है। तो अब ये पे आउट लेने का जो टाइमिंग है दोस्तों, आप 8:30 बजे सुबह से पहले पे आउट मत लीजिएगा, मत लेने का मतलब यह है कि वो लेगा ही नहीं, सिस्टम इनवैलिड बताएगा वो, तो 8:30 के बाद ही पे आउट आप दीजिएगा और शाम के 6:30 बजे के बाद पे आउट मत दीजिएगा। तो मतलब मिला जुला के इसकी जो पे आउट की टाइमिंग है दोस्तों वो 8:30 बजे सुबह से लेके 6:30 बजे शाम तक की है, यही उसका बेस्ट टाइम है, इसी टाइम पे आउट डीजीपे लेता है। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि डीजीपे का जो पे आउट होता है उसे आप एक दिन में कितनी दफ़ा ले सकते हो, मतलब आप डीजीपे का जो पे आउट है कितनी बार अपने खाते में मार सकते हो एक दिन में। तो दोस्तों इसमें डीजीपे पे आउट टाइम ऑफ पे आउट की कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम ऑफ पे आउट दैट मीन्स कि कितनी बार आपने पे आउट मारा इसका कोई वैल्यू इसमें नहीं है, अनलिमिटेड है, लेकिन कितने अमाउंट का मारा इसके लिए इसमें बाउंडेशन है। कंपनी CSC में हमारी बात हुई तो CSC के द्वारा बताया गया कि 49,000 का पे आउट एक दिन में आप ले सकते हो, लेकिन मैंने चेक किया 42,000 से ज़्यादा का पे आउट डीजीपे नहीं लेता है एक दिन में। अब आप में से किसी के साथ ले ले अलग की बात है, मैंने डेमो खुद किया, 42,000 से ज़्यादा का पे आउट एक दिन में डीजीपे ने नहीं लिया। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि 42,000 से ज़्यादा का पे आउट डीजीपे नहीं लेता है, वैसे CSC कहती है कि 49,000 तक का पे आउट डीजीपे लेती है। और बाकी दोस्तों डीजीपे अन्य जैसे कंपनियां हैं जो APS की सर्विसेज देती हैं उन्हीं की तरह हैं, लेकिन बाकी इसमें यही अंतर थे थोड़े से, जो कि कुछ अच्छे भी हैं कुछ नहीं भी अच्छे हैं। इसमें लिमिटेशन है, पे आउट वाली लिमिटेशन है इसमें कि इतने से ज़्यादा का पे आउट आप एक दिन में अपने अकाउंट में नहीं ले सकते, यही एक थोड़ी सी अच्छी नहीं है, आई थिंक CSC को इसे सुधारना चाहिए। लेकिन बाकी देखा जाए काम इसमें जो होता है जितना आसानी से इसमें काम होता है या इसकी जो कमीशन है वो काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए ये अच्छी सर्विसेज मुझे लगी। उसके बाद दोस्तों डीजीपे में आप ATM भी स्वाइप मशीन भी चला सकते हो, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियो मशीन इंस्टॉलेशन से लेके कैश विड्रॉल तक का डेमो आपको वीडियो बना के YouTube पे अपने डाल दूंगा चैनल पे, तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस भाग तक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और भाई का सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आई थिंक ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।